हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को और देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की मल्टीपल वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अपने चैनल पर नए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला नोटिफिकेशन आया है वो आया अमृता विश्व विद्यापीठम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में जो है फैकल्टीज की लाइक रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में जो है यहाँ फैकल्टी की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन को निकाला गया है। और ये जो यूनिवर्सिटी, ये टॉप ए ग्रेड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू नैक के अकॉर्डिंग जो है, ये जो है नैक एक क्रेडिट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अवार्डेड है वो देख सकते हैं टॉप ए ग्रेड बाई नैक। तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे देखिए आपको मिनिमम जो आपका पीएचडी होना चाहिए फ्रॉम रेपुटेड यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन द प्रेसिडिंग डिग्री। यहाँ पे आपका यहाँ पीएचडी मांगा गया है रेपुटेड यूनिवर्सिटी के साथ, और साथ ही साथ अगर आपका मास्टर्स में फर्स्ट क्लास है तब यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फ्रेश पीएचडी कैंडिडेट विद लेस देन 3 ईयर्स ऑफ रिलेवेंस एक्सपीरियंस मे बी कंसिडर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आपको यहाँ पे 3 ईयर्स से भी कम का एक्सपीरियंस है तब भी यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे जो ग्रेड पे है, यानी कि आपको यहाँ पे पेमेंट कैसे मिलेगा, तो पेमेंट जो है आपको यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया जाएगा। अगर बात करें स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई, लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन इज 25 जनवरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन 3 मांगा गया। अगर आपका पीएचडी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है वो जनवरी 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे रखी है एचआर की। अगर आपको कोई भी फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस मेल आईडी पे और ये नंबर्स पे जो है कॉन्टैक्ट करके अपना क्वेरी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन आपको करना है। तो यहाँ पे आपको नेम, ईमेल, फोन नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिज्यूम अगर आपका पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आप अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है आप यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है फॉर्म को आप फिलअप करना है आपको, और फिलअप करने के बाद आपको सबमिट करना है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। तो अगर आप इस लाइक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए सिवली अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं हमारा दूसरा नोटिफिकेशन। दूसरा नोटिफिकेशन आया वो IIMT यूनिवर्सिटी से आया। तो यहाँ पे क्या, एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू रिक्वायर टू ईमेल दे रिज्यूम विद इन 7 डेज। तो 7 डेज के अंदर आपको क्या है, अपना रिज्यूम सेंड करना है आफ्टर दिस लाइक नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डीन्स, डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को भी यहाँ पे निकाला गया, जो कि एग्रीकल्चर में बेसिक साइंस, फार्मेसी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। इसके अलावा कुछ अदर एकेडमिक पोजीशंस भी है, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, सॉफ्ट स्किल्स एंड एप्टीट्यूड ट्रेनर। तो ये सब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है अदर की टाइप की जो भी लाइक वैकेंसीज वो भी यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन वो है इस पर आपको यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे फोन नंबर या आप ईमेल भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो IIMT यूनिवर्सिटी से आया है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अगला नोटिफिकेशन। तो हमारा अगला नोटिफिकेशन है PSGR कृष्णमल कॉलेज फॉर वुमेन। तो यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। साथ ही जो सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स, BBA, तो इन सब के लिए जो है नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ मेंशन कर रखी है कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 10 दिन के अंदर जो है अप्लाई करना है। तो आप जो है अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका जो है मास्टर डिग्री है या आपका जो PhD डिग्री है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि निकाला है अमिटी यूनिवर्सिटी जो कि मोहाली में है। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जितने सब्जेक्ट हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे इंजीनियरिंग के हो, तो सारे सब्जेक्ट्स में जो वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक, इंटीरियर डिजाइन, ट्रेवल एंड टूरिज्म, सोशल साइंस, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे एकेडमिक वैकेंसीज भी हैं, जैसे आपका प्रो VC, डीन, रजिस्ट्रार कम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डायरेक्टर। तो देखिए आप बहुत सी नॉन
टीचिंग फैकल्टी की भी नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी निकाली गई है, तो आप इसके लिए भी अगर एलिजिबल तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं अगर एलिजिबिलिटी की, तो आपकी जो भी एलिजिबिलिटी वो एज पर आपका यूजीसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पर पब्लिकेशन से, तो आपको यहाँ पे जो है जरूर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश है वो एक्सलेंट होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, अप्लाई करने के लिए आपको फिल इन द फॉर्म, यानी कि आपको फॉर्म फिलअप करना है, जो कि www.amity.edu.ke/careers/mohali पर जाके जो है इसका एप्लीकेशन जो है फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो भी आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। तो ये जो है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो है डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाके जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जो है यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियोज़ पर कोई भी डाउट या किसी पोजिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।